अलीगढ़ शहर में जनता अब भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। गली और मोहल्ले में विभिन्न समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ पालिका प्रशासन हाथ पे हाथ देकर बैठी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मंचों से शहरों की ओर नागरिकों के विकास की बड़ी बड़ी बातें जारी है, लेकिन जनता से जुड़ी आम नगरी समस्याओं पर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि सुस्त है, तो वही विपक्ष भी अनजान नजर आ रहा है। पेश है दिग्रज संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रज शहर में इन दिनों कमोबेश तौर पर जारी बारिश ने सड़कों और नालियों की हकीकत उजागर कर दी है। हाल ही में हुई बारिश ने गली मोहल्लों सहित बैंक और सरकारी कार्यालयों के इर्द गिर्द पानी जम जाने से नागरिकों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, बीते 2 से 3 सालों से आए दिनों विश्राम गृह के सामने स्थित जलापूर्ति पाइपलाइन में लीकेज की समस्या का अब तक पूरी तरह से समाधान नहीं निकल पाया है। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि इस पाइपलाइन लीकेज की मरम्मती कार्य के चलते आगामी गुरुवार से शनिवार को शहर भर में जलापूर्ति बंद रहेगी। इसके अलावा भी शहर में कहीं कचरे की समस्या है तो कहीं उखड़े हुए रास्ते फर्जी विकास की दास्ता को बयां कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इस सूरत हाल के सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों में मानो मुख्य समस्याओं को नज़रअंदाज कर जो विकास हुआ नहीं या फिर कथित रूप से जो विकास होने वाला है उसको लेकर विभिन्न राजनीतिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें और लोभ लुभावन आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन देना राजनेताओं का सियासी स्वभाव होता है, ये हम जानते हैं और उससे हमें ऐतराज़ भी नहीं। लेकिन जब शहर भर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, अनियमित जलापूर्ति की समस्या, खराब सड़कें, बदहाल रास्तों की दशा आंखों के सामने हो, तो फिर इन सारी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल तो बनता है, क्योंकि राजनीतिक मंचों से कोई नदी किनारे चौपाटी बनाने की दुहाई दे रहा है तो कोई कह रहा है कि जब तक हमारे नेता विधायक संजय राठौड़ गरीबों के काम या उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं करते तब तक उन्हें नींद तक नहीं आती। इतना ही नहीं, खुद विधायक संजय राठौड़ ने एक कार्यक्रम में बताया कि अगर किसी का काम छूट जाए या उस काम में कोई कमी रह जाए तो उन्हें बेचैनी होती है। और मैं भला करते रहता हूँ, दिन में किसी को कुछ भी बोला उल्टा सुल्टा हो गया तो मुझे खुद बेचैनी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट गया या काम ये हुआ नहीं, क्यों इसको अपने दुखाया। तो सही तरीके से आपको यही बताऊंगा कि सुधीर भाऊ ने यहाँ पे जो बात रखी, मैं विकास की राजनीति चाहता हूँ। विधायक संजय राठौड़ ने अपने भाषण में अपने काम करने के अंदाज और अपनी बेचैनी को बयां किया है। लोगों के कामों को गंभीरता से लेकर विकास की राजनीति पर जोर देने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन दिग्रस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों में शहर के प्रलंबित कामों को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही। और खास बात, अफसोस इस बात का भी है कि जनता की विभिन्न समस्याओं के मुद्दे पर अधिकतर जनप्रतिनिधि जहां मौन धारण किए हुए है, वहीं विपक्ष भी कुछ खास सक्रिय नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर शहर की राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं विभिन्न राजनीतिक मंचों से विकास कामों के हवा हवाई वादों और बड़े बड़े आश्वासनों का डंका जमकर बजाया जा रहा है। अब शायद जनता को ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।